آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغيبين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون تصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم بشغل فاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمعوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على نفاقهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وظللنا لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الصدر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بلد الفراء جاني الذي يعلم المصطفى سوچے بلال غیرت انسان کدھر گئی آقا ہوئے سب سے زیادہ ستم کیسی قیامت یہ آئی
तेरी दाई, ऐसे जीने से मरना था बेहतर। हाय अश्याम अश्याम अश्याम, फख्र कर दे दे कैदी बना के, मुझ पे हंसते थे दुर्रे लगा के। फख्र कर दे दे कैदी बना के, मुझ पे हंसते थे दुर्रे लगा के। ज़ालिमों को न था खौफ दावर, हाय अश्याम अश्याम अश्याम। है ये ताम्र रोने को काफी, सो गया खाक पे खाके बरछी। है ये ताम्र रोने को काफी, सो गया खाक पे खाके बरछी। मेरे होते हुए मेरा अकबर, हाय अश्याम अश्याम अश्याम। जिसको दुर्रे लगाते थे आदाब, जिसके जख्मों से चिपका था कुर्ता, जिसको दुर्रे लगाते थे आता, जिसके जिस्मों से चिपका था कुर्ता। मर गई कैद खाने में घुटे कर, हाय अश्याम अश्याम अश्याम। जिन असीरों पे रोई असीरी, जिनके चेहरों पे था गौसे पीरी, हाल उनका बयां हो तो क्यों कर, हाय अश्याम अश्याम अश्याम। ऐ बिलाला के आका को कोई, जो भी देता था पुरसा वतन में, ऐ बिलाला के आका को कोई, जो भी देता था पुरसा वतन में। मेरे आका ये कहते थे रोकर, हाय अश्याम अश्याम अश्याम। नबीदादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो शरनम ये हो, माँ बहनों के दरबार में जाना, नबीजादे
बोलो के दें
तुम उसे पानी पिला
माँ समझा तो करबला का थका मांगा मुसाफिर जंजीरों का बोझ उठाया हुआ माँ बहनों को बता देता करबला के मैदान में आज दो बाबा देखा सज्जाद को मातम करने के लिए जमा हुए वो सैयद सज्जाद के जिसने 10 मुहर्रम को जमीन करबला में हंगामे असर के पास से वो देखा जिसे अब्बास ने न देखा जिसे अली को न देखा मोहम्मद ने तो देखा अरे हुसैन भी उसे देखने के लिए अरबाज आजादी आलम था खैमों में आग लगा दी गई सरों के पैसा तो बुलंद हो चुके थे बीबियां वो खैमे के दूसरे खैमे को जा रही अल्लाह बाप जनाब सैमद सैयद सज्जाद के खैमे में आई चाना हिला के बनवाया बेटा सैयद सज्जाद खैमों में आग लगा दी गई है सरों से चादरों छिन गई है बताओ खैमों में बैठ कर चल कर जान दोगे या खैमे को बाहर निकलो जरा अपने सीनों पर हाथ रख के सोचो अरे सैयद सज्जाद कैसे उन बीवियों को कहेंगे खैमे से निकलो जिनके साए को भी किसी ने देखा हो फरमाया भूखी अम्मा अरे कायदे से निकल जाओगे अल्लाह ज़ैनब ने सबको समेटा खैमे से बाहर आई अरबाब अदा अजीब मंजर था खैमे चल रहे थे शोले भड़क रहे थे रावी लिखता है कि मैंने ज़ैनब को देखा कि खैमे में बार बार जा रही है जाती है और जाने के बाद जा जाती है वो ये कहता है कि मैंने ये सोचा कि शायद ज़ैनब की कोई कीमती चीज इस खैमे में रह गई हो क्योंकि खैमे में आग लग चुकी है उसे निकाल न पा रही है वो ये कहता है कि मैंने एक बार देखा ज़ैनब खैमे में गई अब जब निकली तो हाय पुष्प कितने मजाक से ये देखो चाप ने बर्दाश्त किए अल्लाह अल्लाह जरा पूछिए कि क्या आलम रहा होगा जब सैयद सज्जाद ने 11 मुहर्रम बाद दोपहर के देखा होगा कि करबला से काफिला तो चल रहा है लेकिन ऊंटों का कटारे नहीं है पर्दे का अहतमाम नहीं है बीवियां सब नंगे हैं अरे कोई सवार करने वाला भी नहीं है हाँ बाबुओं में रकत बांध दी गई है ऊंटे में बिठा दिए गए हैं अल्लाह जब ये काफिला मक्का से गुजरा तो ऐसा लगा कि अब सैयद सज्जाद की रूह जिस्म से निकल जाएगी ज़ैनब ने कहा बेटा अरे ये तुम्हारा क्या आलम है कहा तुम भी अम्मा जिसके बाद बेटे के बाप का लाशा देखो रे कदम जमीन पर पड़ा हो हाँ उसका क्या आलम होगा जदा तुम रब को अरबाब अदा बहुत ज्यादा
آپ کی خدمت میں میں اٹھ سکوں گا. یہ میری آفت کی مصائب کی رات ہے. اے عزیزو اللہ سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کیا کیا نہ مصیبت تھی جو جھیلنی پڑی. اللہ ایک منظر وہ آیا سید سجاد کے سامنے، مجھے بیان کرتے ہوئے میری روح کانپ رہی ہے کہ سید سجاد نے کس طرح برداشت کیا ہوگا. بے مطلب چادر تھی بیویا، رسیوں میں بندی ہوئی تھی بیویا، نہ محرموں کے سامنے تھی بیویا، لیکن ذرا سوچو جب ابن زیاد کے برباد میں سید سجاد آئے اور دیکھا کہ تش کے اندر بابا کا سر لگا ہوا ہے اور یہ بدن ہاتھ میں چوٹ کی کمی لیے ہوئے اب چہرے سے ادبی کر رہا ہے. ہائے کیا گزر گئی ہوگی سید سجاد پر. اے ارباب ادا صحابی رسول موجود تھا، اس نے ایک بار کھڑے ہو سکا ارے وہ کہ کیا کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہے رسول ہی لبوں کا گوسا لیتے تو جس کے ساتھ تم نے ادبی کر رہا ہے. اے ارباب ادا عظیم منظر تھا، سید سجاد ان مصائب کو برداشت کر رہے تھے. اللہ یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچا اور شام کا عجیب عالم تھا. بسر کا سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے عزیزو، اس لیے کہ آپ ماتم کر رہے ہیں آپ پوری شام. جب یہ قافلہ شام پہنچا، عجیب و غریب عالم تھا شام کا، نئے نئے لباس پہن کر لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کے مبارکباد دے رہے. میرا سوچو کیا گزر گئی ہوگی زینب کہ لوگ نئے نئے لباس پہن ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور نبی زادیاں سب ننگے اونٹے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اسی عالم میں خاتون تھی جو اپنے چھت پر بالا خانے پہ بیٹھی ہوئی تھی. جب شام میں یہ مجمع اکٹھے ہونا اکٹھا ہونے لگا تو بے چین ہوئی. اس نے اپنے بچے کو بلایا، لڑکے کو، اور کہا وہاں جا کے دیکھ یہ ہنگامہ آرائی کیوں ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں، یہ کون سی خوشی ہے کہ نئے نئے کپڑے پہن کے ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. بچہ آیا، اس نے معلوم کیا، پتا یہ چلا کہ کچھ اسیر کیے گئے ہیں، ان کا قافلہ آ رہا ہے. یہ دوڑ کے گیا اپنی ماں کے پاس اور ماں کو اس نے بتایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس پر پتہ پائی گئی ہے اسیروں کا قافلہ ہے، انہیں لایا جا رہا ہے، اس کی خوشی منائی جا رہی ہے. تھوڑی دیر اور گزری، اس مومنہ کی بے چینی اور بڑھی. اس نے پھر اپنے لڑکے کو بلایا، کہا ذرا پتہ تو لگا، قافلے تو بہت دیکھے ہیں لیکن آج جو مجھے بے چینی ہو رہی ہے وہ آیا بچنے میں آنے کے بعد پتا لگا ہے کافی قافلہ ہے. اس نے جا کے ماں سے کہا، ماں ایک بار نیچے اتر آئی اور اتر کے آنے کے بعد مجمع میں داخل ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، جیسے گرد کا پردہ چاک ہوا اس نے یہ دیکھا کہ کچھ سیاہ عالم نظر آ رہے ہیں. جیسے قافلہ قریب آیا تو عجیب منظر دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ سیاہ عالم کے ساتھ ساتھ نوکے بھیجا پر کچھ کر بھی اندر داخل ہوئی، ایک ایسے سب کے پاس
करीब पहुंची, जिसने देखा कि पेशानी से नूर साते है। जो इंसान को लिए हुए था नजरे पर उसके पास आई और कहा कि बताइए किसका सर है। मैंने कभी भी ऐसा सर को नहीं देखा कि जिसके पेशानी से नूर निकल रहा हो। उसने जवाब दिया कि हमें बोलने से मना किया गया, मैं नहीं बता सकता हूं कि किसका सर है। तो कहा कैसे पता चलेगा। कहा जा अंदर काफिले में एक जवान नहीं कमजोर एक जवान नहीं कमजोर हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, पैरों में भेड़िया है, कमर में लंगर पड़ा है, गले में खारदार तौक है, उससे पूछना ये काफिला किसका है। वो खातून दौड़ के उसमें आई बजने में और देखा एक जवान है जो मेहारे नाका थामे हुए है, हथकड़ियां भी पड़ी हुई है, कमजोर भी है लेकिन चल नहीं पाता है, थोड़ी दूर जाता है फिर थक के बैठता है, फिर उठता है, फिर आगे जाता है। ये दौड़ के उसके पास आई, कहा ये बता, ये बता ये किसका काफिला है, ये किसके घर कलम किए गए है, ये किस जुर्म में हथकड़ियां पहनाई गई है। एक बार काफिला सरदार ने अपने सर को निउड़ाए हुए जवाब दिया, ए बीवी मुझसे बोला नहीं जाता, इतना मदनी खारदार तौक है गले में कि जिसके दख्ल से आवाज नहीं निकल रही है। अरे मेरी पुपी पीछे नाचे सवार हो जा, मेरी पूपी से पूछना वो बता देगी। वो आई और कहती थी बताओ उसकी पूपी कौन है जो तुम्हारे नाता थामे हुए है। बताते थे आवाज आई, बीबी मैं उसकी पूपी हूँ, अरे वो मेरा भतीजा सैयद सज्जाद है जिसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी है। थोड़ी सी गुफ्तगु के बाद शहजादी दौलत ने बताया जिस हुसैन के लिए पूछ रही है उसका कन्नों के नैजा पर बुलंद है, जिस अली अकबर के लिए पूछ रही है ये उसका कन्नों के नैजा पर बुलंद है। ए अरबाब रजा, अरे ये कैसे मसाइल से जो भैया में सज्जाद आखिरी वाकया और मैं मस्जिद को खत्म कर रहा हूँ। ए अजीजों बचे वाकया अजीब है कि जब भी सोचो वो रोग सैयद सज्जाद ने ये मुसीबतें कैसे बर्दाश्त की। मुझे ये वाकया मिला कि जब सैयद सज्जाद को शाम के कैद खाने से आजाद कर दिया गया तो सैयद सज्जाद हथकड़ियों और बेटियों को संभाल के जैसे ही यजीद के दरबार से निकलने वाले थे, एक बार यजीद की आवाज आई, अली इब्न हुसैन रुक जाओ, सैयद सज्जाद रुक जाओ। रुक गए मौला, इधर आओ। करीब आए और उसने एक बार हुक्म दिया हद्दाद को बुलाया जाए। हद्दाद जानते हैं अरबी भी किसे कहते हैं, हद्दाद उसे कहते हैं जो कोड़ियों को काटता है, लोहार जो होता है उसको अरबी में हद्दाद कहते हैं। बुलाया गया और हुक्म उसने दिया कि सैयद सज्जाद की हथकड़ियां काटो, बेड़ियां काटो, लंगर उतारो, खारदार तौर उतारो। अरबाब अदा, एक बार उसने बेड़ियां काटी, खून बहने लगा पैरों से, हथकड़ियां काटी, कलाइयां जख्मी सामने आ गई, लंगर उतारा, कमर जख्मी सामने थी, मगर जब तौक उतारने लगा तो एक बार चीख मार के होया, हाँ यार न सुन सको।
की खून बाहर पहनने तो नहीं रोया, लंगर उतारा जख्मी कमर नहीं रोया, हथकड़ियां काटी कलाइयां जख्मी नहीं रोया। जैसे तौक काट के निकाला उसने, भरे हुए दरबार में चीख मार के रोया, अपने आंसुओं को रोक न सका, अपनी चीख को रोक न सका, चीख मार के रोया। उसके बाद जैसे दरबार से बाहर निकला, कुछ लोग उठ के आए, कहा हद्दाद रुक जा, रुक जा। वो रुक गया, कहा ये बता कि ना तो हथकड़ियां काटने पर रोया, ना बेड़ियां काटने पर रोया, ना लंगर उतारने पर रोया, ये तौक जब तू निकाल रहा तो तू क्यों रोया। तो उसने कहा मुझसे न पूछो, मुझसे न पूछो, कहा बता दो, कहा जब मैं तौक निकाल रहा था तो खाता तौक के साथ दो, अरे सज्जन सज्जाद के गले के गोश्त के टुकड़े लगे हुए थे, अरे मैं नहीं जानता, सज्जन सज्जाद से कैसे बर्दाश्त किया, वसीरों को लेके जाने वाले। दोनों के कहा मौलाने, कैसे कटेगा शाम का रास्ता, ये तो खुदा ही जाने, हाय ये तो खुदा ही जाने। ऐसी है कुछ दोन का हत चलना है दुश्वार, है बीमार पास, देख सको तो देख लो उठ कर मेरे चचा पास, आए मेरे चचा पास, बेटा बन के चला है कुन बेटा ताला, मर जाओ उस मंदिर को देख सकूं, वो दाग कहां से लाओ, आए दाग कहां से लाओ। बेपरदा है मां बहने अब शाम का है दरबार, कभी है बीमार, शर्म के मारे इब्न शहे दिलगीर, आए इब्न शहे दिलगीर। साथ हरम है बेपरदार, शाम का है बाजार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। हर लम्हा तोड़ों की अजियत दुर्रों की उफ़तार, आए मेरे बीमार की गुर्बत किससे करे फरियाद, आए किससे करे फरियाद, आए किससे करे फरियाद। सब रास्ते तो दांत भरे है चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, कहाँ तस्वीरें दूंगे ऐसी जा।
रंग लगी है लोहे की जंजीरे, हाय लोहे की जंजीरे, सारे बदन में पैदा सारे हार मेरा बीमार, कैदी है 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 बीमार। ताब कहाँ से लाऊं, हाय ताब कहाँ से लाऊं, बेपरदा है ना बहने और शाम का है दरबार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। शाम की जानिब कैसे चली थी पैगंबर की आस, कैसे पढ़ेगा आमिर उसको कैसे लिखूं मैं बिलाल, हाय कैसे मैं लिखूं मैं बिलाल, आगे आगे मेरे बैठा फिर तो शहे अबरार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। हर लम्हा गौरों की अजियत दुर्गों की उपतार, हाय मेरे बीमार की गुर्बत किससे करे फरियाद, हाय किससे करे फरियाद, सब्र के कांटों भर है चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, झुकाए शर्म के मारे इब्ने शहे दिलगीर, हाय इब्ने शहे दिलगीर, साधरन है बेबरदार शान का है बाजार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। सब्र के आए आयो तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरे, धूप ऐसे जलने लगी है लोहे की जंजीरे, हाय लोहे की जंजीरे, सारे बदन में पैदा छाने हाँ, नारो मौला नारो मौला है का मेरा शिष्य।
شہادت آپ کی ہے مولا کہاں لائب مطلب اپتون نہیں انسان کیا بے شک میرا شہادت ہے یہ آل نبی کی فطرت ہے سر کے پر داما بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراثی کا
दांत पे पातिल बैठा था, एक ये भी मेरी मीरा सिखा होगा वक्त सजा दिन कहते वो
I'm a
بھی مگنا ہے کوئی نہ چاہتے ہائے اشام 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 ہائے اشام اشام کرتا مر گئی قید خانے میں گھٹی